हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हरी सब्जी। मैंने ये मूली के पत्ते लिए हैं, रात मैंने इनको धो लिया था, सुबह तक ये ड्राई हो गए। अब मैं इनको चॉपर में बारीक बारीक काट लूँगी। छोटे छोटे मैंने इसके मुट्ठे बनाए और थोड़े थोड़े, तब ये अच्छी कटती है, बारीक कटती है। ये देखिए, मैंने ये हरी सब्जी कट के पूरी तैयार हो गई है। अब मैं इसको आपको चढ़ा के दिखाऊँगी। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है इसको चढ़ाने के लिए। गैस पर रख दिया है सरसों का तेल। अब इसमें साबुत लाल मिर्च डालूंगी छौके में। लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है इसको, भी उसी में ज़्यादा टेस्टी होती है हरी सब्जी में। आप लोगों को पता ही है आयरन होता है, और लोहे की कढ़ाई में बनेगी तो आपको डबल आयरन मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। हींग डाली और अब इसके बाद इसमें हम हरी सब्जी डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। आजकल ये मुलायम आ रही है पत्ते इसके, बाद में तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, फिर हमें कुकर में बनानी पड़ती है। और ये ऐसे ही आधे घंटे में बनके तैयार हो गई थी, बढ़िया। अभी आप इसमें नमक मत डालिए, फुल फ्लेम कर दीजिए गैस की, तो आपकी ये सब्जी घट जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें नमक कितना लगना है। ये तो नमक का अंदाज नहीं आता, ज़्यादा हो जाता है हरी सब्जी में, क्योंकि वो घटती है तो फिर कम हो जाती है। ये देखिए, मैंने ये फुल करा है, और ये देखिए घट के देखो कितनी कम हो गई है। मैंने इसलिए अपना हाथ फिर रोक दिया, मैंने कहा इसमें मैंने मसालेदानी की जो चम्मच होती है उससे 1.5 चम्मच नमक डाला। ये देखिए आप, घट के कितनी कम हो गई है। अब इसमें हम ढक्कन रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको लो फ्लेम में रखना, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहिए। ये देखिए बन के ये तैयार हो गई है, और मैंने जो 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखिए, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये देखिए कितनी कम हो गई है घट के। काटते समय बहुत एक परात भर के थी। और यहाँ तक मेरे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।